Okay, so we'll continue with chapter number 12, standard costing only. चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ओनली, राइट। स्टैंडर्ड में हम लोगों ने क्या क्या किया था, सेल्स हो गया अपना, मार्जिन हो गया, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, फिक्स्ड ओवरहेड ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन, है ना। अब एक सम ऐसा लेता हूँ जिसमें पूरा सब विद मिसिंग फिगर एवरीथिंग रिवाइज कर लेते हैं। जस्ट यू रिफर क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर 12.102, क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर 12.102, देख लीजिए ना फ्रेंड्स एक बार आप। फॉलोइंग स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ऑफ ए, ए को अंडरलाइन करिए आप, ए कंपोनेंट, ए कंपोनेंट, उसका मटेरियल है 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 15। अगर हम लोग एक यूनिट बनाएंगे तो कितने यूनिट्स ऑफ मटेरियल लगेगा, बोलो 2, उसका रेट क्या रहेगा 15। लेबर 3 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹20। टोटल ओवरहेड, प्लीज अंडरलाइन दैट, टोटल ओवरहेड्स, इट मींस वेरिएबल प्लस फिक्स। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ 10,000 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट वर प्रोड्यूस्ड एंड द सेम वॉज फाउंड टू बी 60% कैपेसिटी ऑफ द बजट। मतलब 10,000 हम लोगों ने एक्चुअल प्रोड्यूस किया है, वो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 60% ऑफ द बजट। इसका मतलब बजट क्या रहा होगा, 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16.667। सेम वॉज फाउंड टू बी 60% कैपेसिटी ऑफ द बजट। इन प्रिपेयरिंग द वेरियंस रिपोर्ट फॉर द मंथ द कॉस्ट अकाउंटेंट गैदर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, लेबर वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड, मटेरियल प्राइस, मटेरियल कॉस्ट, लेबर रेट, फिक्स्ड ओवरहेड। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अबव डिटेल्स, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्चुअली यूज्ड, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी, कैपेसिटी एंड वॉल्यूम वेरियंस। सही है सुनो, टेबल बनेगा, एक आपका मटेरियल, दूसरा आपका लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड में भी दोनों यूनिट्स एंड आवर्स। ओके, चलो स्टार्ट करें। पहले आप ले लो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, मटेरियल वेरियंस बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। व्हाट योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 10,000 यूनिट्स, राइट है। स्टैंडर्ड एक्चुअल यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट्स रेट अमाउंट, लेबर वेरियंस आवर्स, रेट अमाउंट, आवर्स रेट अमाउंट, वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस आवर्स रेट, आवर्स रेट अमाउंट, फिक्स्ड ओवरहेड बजट एक्चुअल यूनिट्स रिकवरी रेट एक्सपेंस, आर्स रिकवरी रेट एक्सपेंस, यूनिट्स एक्सपेंस आर्स एक्सपेंस।
कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पहले सबसे पहले आप ना गिवन करके आप ये पूरा फॉर्मेट बना लो. मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट. ठीक है. नाउ क्योंकि सिंगल मटेरियल है ना, तो क्या करेंगे, स्टेप नंबर टू, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस. मटेरियल यूसेज वेरियंस, मटेरियल रेट वेरियंस, लेबर कॉस्ट वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड, कॉस्ट वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड, एफिशिएंसी वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड, एक्सपेंस और रेट वेरियंस. मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, लेबर कॉस्ट वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस. फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस. अब आपका क्या हो गया, पूरा फॉर्मेट रेडी, राइट. एक एक चीज अब अपन देख लेते हैं, राइट. बोलो यस ऑर नो. फॉलोइंग स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ऑफ ए कंपोनेंट. ए कंपोनेंट को बनाने में अपने को कितना चाहिए, 2 units ऑफ मटेरियल. इसका मतलब 10,000 × 2 20,000. एक का रेट आपको क्या दे रखा है, 15, क्या हो जाएगा आपका 3 lakhs, राइट. एक यूनिट को बनाने में 3 hours, 10,000 × 3 hours 30,000. एक का रेट है 20 rupees, कम्स टू 6 lakhs, राइट. अब वेरिएबल ओवरहेड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. अपने पास एक्चुअल प्रोडक्शन है, लेकिन 10 rupees में कितना वेरिएबल है, कितना फिक्स्ड है, वो नहीं मालूम है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. इट मीन्स 10,000 × 3 hours 30,000. फिक्स्ड ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन बजट. फिक्स्ड ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन. व्हाट योर बजटेड प्रोडक्शन इज 10,000, विच इज 60% ऑफ द बजट. इट मीन्स 16,666.67. वन यूनिट इज रिक्वायर्स 3 hours. इट मीन्स 16,666.67 × 3 hours एंड दिस कम्स टू 50,000 hours. फिक्स्ड ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन बजट. बजट कितना है, 60% इज 10,000. व्हाट इज 100% इज 16,666.67.
16666.67 इंटू 3 आवर्स, लेकिन अपने को रेट का ब्रेकअप मालूम नहीं है तो छोड़ देंगे, राइट। एक्चुअल फिगर्स आपको दे रखी हैं। द कॉस्ट अकाउंटेंट गैदर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लेबर कॉस्ट 6,50,000। एक्चुअल लेबर कॉस्ट इज 6,50,000। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इज 2 lakhs। फिक्स्ड ओवरहेड इज 3 lakhs। मटेरियल प्राइस वेरियंस 70,000 एडवर्स। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस 50,000 एडवर्स। लेबर रेट वेरियंस 50,000 फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस 50,000 एडवर्स। सही है, सुनो फ्रेंड्स, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, राइट। प्रॉपर है। अब देखो, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस है आपके पास 50,000 एडवर्स और स्टैंडर्ड कॉस्ट है 3 lakhs। इसका मतलब आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या रहा होगा? 3,50,000। सही है, सुनो, है ना। और ये 70,000 एडवर्स है, ये 50,000 एडवर्स है, ये क्या रहा होगा? 20,000 फेवरेबल। सही है, सुनो, तभी तो ये टैली होगा ना, 20 फेवरेबल 70, 50,000 एडवर्स। राइट है। अब देखो, मटेरियल यूसेज वेरियंस 20,000 माइनस समथिंग इनटू 15, राइट। 2 lakhs डिवाइडेड बाय 15 करो, 20,000 डिवाइडेड बाय 15 करो, कम्स टू 1333। इसका मतलब ये साइड उतना कम रहा होगा, क्यों? तभी तो फेवरेबल आएगा ना। एक्चुअल में क्या होगा? लेस 20,000, इट मींस 18,666.67। दिस इज 18,666.67 और इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है? 3,50,000। सो 3,50,000 डिवाइडेड बाई 18,666.67 एंड दिस कम्स टू 18.75। दिस इज 15 लेस 18.75 इंटू 18,666.67। देखो, लेबर कॉस्ट वेरियंस 6 lakhs माइनस 6,50,000 इज 50,000 एडवर्स। 6 की जगह वी आर पेइंग 650, कितने का लॉस हो गया बोलो? 50,000 एडवर्स। ये 50 एडवर्स, ये 50 फेवरेबल, ये क्या हो जाएगा? 1 lakh एडवर्स। बोलो या सुनो, राइट। ये 30,000 आर्स है अपने पास, एक्चुअल आर्स नहीं है, इनटू 20। वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। सो 1 lakh डिवाइडेड बाय 20 आपका क्या होगा? 5,000। क्या हो जाएगा? 30
5,000. So this is 35,000, right? 650 divided by 35,000 is 18.57. So 20 less 18.57 into 35,000. 20 less 18.57 into 35,000. Verify करो, देखो आंसर आता है बराबर. सही है, सुनो फ्रेंड्स, राइट है. बोलो यहां तक क्लियर हुआ. अब देखो एक्चुअल आर्स, अगर एबनॉर्मल एडल टाइम नहीं है तो एक्चुअल आर्स क्या रहेंगे दोनों के, सेम 35,000, राइट है. एक्चुअल यूनिट्स आपको दे रखे हैं 10,000 एंड एक्चुअल आर्स आपको दे रखे हैं 35,000. ओके, थोड़ा सोचो, बताओ कैसे होगा. अभी आगे बताओ कैसे होगा. यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोले. टू लैक्स डिवाइडेड बाय 35,000 इज 5.71. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस अपने को दे रखा है. इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये एक्चुअल एक्सपेंस कितना है, 3 लाख. और हम लोग बोल रहे हैं जितना हमने सोचा था उससे कितना ज्यादा खर्चा किया, 50,000. इसका मतलब बजटेड क्या रहा होगा अपना, 2,50,000. सो दिस इज 2,50,000 एंड दिस इज 2,50,000, राइट. सो 2,50,000 divided by 16,666 is 15, or 2,50,000 it means per hour का 55. हमारे पास ये है, actual है, और हमें मालूम है हम लोगों ने कितना ज़्यादा खर्चा किया है, बोलो, 50,000. सही है, सुनो, इसका मतलब बजट कितना किया होगा, 2,50,000, right? It means टू बैंक बोलो कितना आएगा, 3 लाख. एंड बाई रिकवरी इज 10,000 इंटू 15 इज 1,50,000. इट मीन्स बाई अंडर रिकवरी 1,50,000. रिकवर्ड ओवरहेड 150 एंड एक्चुअल ओवरहेड्स 3 लाख. कितने का लॉस हो जाएगा, 1,50,000. सही है, सुनो, बजटेड यूनिट्स
16,666.67. Actual units 10,000. What is the recovery date? 15. What is the loss? Is rupees 1 lakh. बोलो यस और नो, राइट? हम लोगों ने क्या किया, टू बैंक में कितना पे किया, टू बैंक में कितना पे किया हम लोगों ने, रुपीस 3 लैक्स. टू बैंक में कितना पे किया, 3 लैक्स, राइट? बाई रिकवरी कितना हो जाएगा, 10,000 × 15 कितना हो गया, रुपीस 1,50,000. व्हाट इज द अंडर रिकवरी, 150. रिकवर्ड 150 और उसके सामने पे कितना किया है, 3 लैक्स. कितने का लॉस हो गया, 1,50,000. हु इज रेस्पॉन्सिबल, एक्सपेंस मैनेजर ने बोला था 250 खर्चा होगा, किया कितना, 3 लैक्स. सो 250 के सामने उसने कितना खर्चा कर दिया, 3 लैक्स. कितने का लॉस हो गया, 50,000. प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बोला था, कितने यूनिट्स बनेंगे, 16,666. बने कितने, ओनली 10,000. व्हाट इज द रिकवरी डेट, 15. कितने का लॉस हो गया, 1 लैक. फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी, 50,000 आवर्स, काम किया है ओनली 35,000. व्हाट इज द रिकवरी डेट, 5. कितने का लॉस हो गया, 75,000 एडवर्स. बोलो कितना कैपेसिटी है, 50,000. कितना कैपेसिटी है, 50,000. एक्चुअल में वर्क किया बोलो, 35,000. व्हाट इज द रिकवरी डेट, 5. क्या हो जाएगा, 75,000 एडवर्स, राइट? यूनिट्स आर्स 16,666.67 यूनिट्स के लिए 50,000 आर्स गिवन है ना फ्रेंड्स. 16,666 के लिए कितने आर्स चाहिए, 50,000. हम लोगों ने एक्चुअल में प्रोडक्शन किया 10,000, हमें आर्स कितने लगेंगे, 30 की जगह हमारे कितने आर्स हो गए, 35. व्हाट इज द रिकवरी डेट, 5. इट मीन्स 25,000 एडवर्स. यू आर नॉट एफिशिएंट, यू आर नॉट एफिशिएंट. 16,666.67 को बनाने में कितने आर्स लगते हैं, 50,000. तो 10,000 को बनाने में कितने आर्स लगेंगे, 30,000. 30 वाला काम हम लोगों ने कितने में किया है, 35. कितने आर्स हमारे ज़्यादा लग गए, 5,000. एक आर का रेट क्या है, 5. कितने का लॉस हो गया, 20. दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस दिस. अब आपका बचा ओनली, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो. अब आपका क्या बचा, बोलो, वेरिएबल ओवरहेड. अभी आपको दो तीन तरह से बता देता हूँ, राइट? वेरिएबल ओवरहेड में आपको दो तीन तरह से बता देता हूँ, राइट? आज आपका ये पूरा बेसिक्स कंप्लीट हो गया विद रिवर्स एवरीथिंग, राइट? चलो अब देखो, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट शीट में देखो, पर आर का कॉस्ट क्या है, वेरिएबल प्लस फिक्स 10 रुपीज दे रखा है. कॉस्ट ओवरहेड का क्या दे रखा है, बोलो, टोटल ओवरहेड पर आर इज रुपीज 10. उसमें वेरिएबल कितना है, 5. फिक्स कितना हो जाएगा, रुपीज 5. क्या आपको फिक्स दे रखा है, फिक्स क्या दे रखा है, बोलो,
5, तो वेरिएबल आपका क्या हो जाएगा 5। समझ में आया? टोटल ओवरहेड दे रखा है ना कॉस्ट शीट में, टोटल ओवरहेड कितना दे रखा है कॉस्ट शीट में 10, 10 में से आपका फिक्स कितना है 5, तो वेरिएबल कितना हो जाएगा 5। देखो जरा, ये 5 कम्स टू 150,000 है। अब आप निकालो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस 150,000 एडवर्स, 152 लैक्स कितने का लॉस हो गया बोलो, 50,000 एडवर्स कितने का लॉस हो गया, 50,000 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी और रेट वेरियंस, सॉरी वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरियंस, एफिशिएंसी 30,000 आवर्स माइनस 35,000 इंटू 5, 25,000 एडवर्स, 5 लेस 5.71 इंटू 25,000 एडवर्स, बोलो या सुनो फ्रेंड्स, राइट है, ओके। अच्छा, अगर सपोज आपको ये नहीं जम रहा है तो अपन कैसे कर सकते हैं, अगर आपको ये नहीं जम रहा है तो हम कैसे कर सकते हैं, इट मींस देखो टोटल ओवरहेड पर यूनिट, टोटल ओवरहेड पर यूनिट निकालो, देखो क्या दे रखा है 30 रुपीज, टोटल ओवरहेड पर यूनिट 30, उसमें वेरिएबल एंड फिक्स्ड, फिक्स कितना है 15, तो आपका वेरिएबल कितना हो जाएगा 15, ऐसे समझने के लिए, राइट। एंड वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स, इट मींस क्या आ जाएगा 150,000, ऐसे भी हो सकता है, राइट। और देखो मैंने आपको क्या बताया था, रिकवरी रेट, रिकवरी रेट क्या होता है, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड यूनिट्स, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाई बजटेड यूनिट्स, राइट। हमारी बजटेड यूनिट्स कितनी है 16,666.67 और बजटेड ओवरहेड कितना है 30 रुपीज पर यूनिट, इट मीन्स टोटल बजटेड ओवरहेड क्या हो जाएगा रुपीज 5 लाख 16 × 30, राइट। अब उसमें आपका फिक्स कितना है 2,50,000, तो आपका वेरिएबल कितना हो जाएगा 2,50,000, लेकिन 250 किसके लिए है 16,666.67, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा रुपीज 150, बोलो या सुनो, इतना कॉपी कर लो जरा ना।
राइट, कभी कभी ना देर इज ए डिफरेंस बिटवीन बजट एंड स्टैंडर्ड, वो जरा ध्यान देना अपना, देर इज ए डिफरेंस बिटवीन बजट एंड स्टैंडर्ड राइट। देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं 8 AM to 8 PM तक वर्क करता हूँ, कितना वर्क करता हूँ मैं 8 AM to 8 PM, इसका मतलब मेरा बजटेड कैपेसिटी क्या हो गया, बजटेड कैपेसिटी हो गया 12 आवर्स। अब आप बोलते हो सर आप मुझे स्टैंडर्ड करा दो राइट, और स्टैंडर्ड का पूरा रिवीजन करा दो। मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड का रिवीजन करने में आपको 10 आवर्स लगेंगे, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा स्टैंडर्ड टाइम। तो ये टू आवर्स मेरे पास बचा, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ बैलेंस, मतलब ये 2 आवर्स में कोई और काम कर सकता हूँ करके, ये मेरा बजटेड कैपेसिटी है। बट फॉर ए पर्टिकुलर वर्क द टाइम इज रिक्वायर्ड ओनली 10 आवर्स। अब आप कंपेयर करो, आप मैंने जब आपको रिवाइज कराया तो मैंने एक्चुअल टाइम आपका क्या ले लिया, एक्चुअल टाइम मैंने ले लिया सपोज से 11 आवर्स। तो कंपेरिजन किस किस का होगा, 10 का और 11 का, ठीक है। जस्ट यू रिफर क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 12.81, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 12.81। क्वेश्चन नंबर 8 मिला, पेज नंबर 12.81। देखो जरा समझ लो, गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द लेबर वेरियंस, स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड, नंबर इन स्टैंडर्ड 16, 6 एंड 3, टोटल करो जरा कितना होगा, 16 plus 6 plus 3, 25, और एक वीक में हम लोग कितने घंटे काम कर सकते हैं 40 आवर्स, है ना। इन ए 40 आवर्स द गैंग एज ए होल प्रोड्यूस ओनली 900, हमारे पास 25 वर्कर हैं, 25 वर्कर्स आर देयर, इफ दे वर्किंग फॉर 40 आवर्स मीन्स दे कैन प्रोड्यूस अप टू 1000 आवर्स राइट। पर फॉर ए, इसका मतलब 1000 मेरा क्या हो गया कैपेसिटी, बट फॉर ए पर्टिकुलर वर्क द टाइम इज रिक्वायर्ड ओनली 900, तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा अपने को ना। तो जरा ये भी कॉपी कर लो आप ना, रिविजन के टाइम आपको याद रहेगा। तो अब आप यहाँ पर लिख दो 10 आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड, माई कैपेसिटी इज 16, 6 एंड 3 वर्कर्स, दे आर वर्किंग फॉर 40 आवर्स इन ए वीक, 640, 240, 120, इट मीन्स 1000, 640, 240, 1000 राइट। बट आई वॉन्ट ओनली 900 आउट ऑफ 1000 आउट ऑफ 576, 216, 108 समझे या नहीं समझे फ्रेंड्स राइट। मींस ये मेरा क्या हो गया कैपेसिटी, मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं कितने घंटे काम कर सकता हूं 1000, बट मुझे फॉर ए पर्टिकुलर वर्क द टाइम इज रिक्वायर्ड ओनली 900, समझे या नहीं समझे फ्रेंड्स राइट। देन यू गो फॉर
actual hours for actual production scale, semi scale, unskilled, skilled, semi skilled, unskilled, right? 49 and 2, and the week is for 40 hours. 60 360 and 80. Labor variance, step number 1, standard actual, in between hours, rate, amount, hours, rate, amount, skill, semi skilled, unskilled, 576 216 108 was the rate, 321. Actual right? Step number 2, labor cost variance, 2268 3480. One to adverse, right? Labor efficiency variance, labor rate variance, skill, semi skill, unskilled, 576 216
160, 360 and 80. 3, 2, 1, 4, 3, 2. 560, 360, 80. February 288 adverse, 28 favorable. 212 adverse, 560 adverse, 360 adverse, 80 adverse, 1000 adverse. Right, your friends? Labor sub-efficiency variance, labor mix or gang variance. $9,000, $2,268, $900. Skill, semi-skill, unskill. 576, 900, 1000. 216, 900, 1000. 108, 900, 1000. February 240, 40 favorable, 252 less 40, 212. थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है करके ना. चलो
सो ये सब अपना क्या हुआ, ओनली बेसिक्स। ओके, आज से अपना एक्चुअल में सीए फाइनल स्टार्ट होता है, राइट, कि अपन को अब क्या करना है। ओके, जरा लिखो आप, जा कॉन्सेप्ट ऑफ रिकंसिलिएशन, जस्ट राइट ना, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिकंसिलिएशन, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिकंसिलिएशन। ओके, आगे आप लिखिए, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम। स्टेप नंबर वन, कॉस्ट सीट। स्टेप नंबर वन, कॉस्ट सीट, ब्रैकेट में लिखो, ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ, ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन, ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेप नंबर टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो, ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ, ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री, रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन। स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर, एनालिसिस ऑफ वेरियंस। स्टेप नंबर फोर, एनालिसिस ऑफ वेरियंस। ओके, उसमें नीचे लिखो, एनालिसिस ऑफ मटेरियल, एनालिसिस ऑफ मटेरियल कॉमा लेबर, एनालिसिस ऑफ मटेरियल कॉमा लेबर कॉमा वेरिएबल ओवरहेड, कॉमा वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन, इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन। बट एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड, बट एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन, इज ऑलवेज बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन एंड एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू, एंड एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, माइनस बजटेड कॉस्ट, बिकॉज बिकॉज प्रॉफिट मैनेजर, बिकॉज प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन, फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन, राइट है। कोई भी बिजनेसमैन है, सबसे पहले वो क्या बनाएगा, कॉस्ट शीट। वो सोचेगा भाई मेरे पास कितना था, वो किसमें, बजट पे जाएगा, वो सोचेगा लाइक यू नो। स्टेप नंबर टू, प्रॉफिट एंड लॉस, वो एक्चुअली देखेगा, मैंने सोचा था 20 स्टूडेंट्स आएंगे, आए कितने, 10 स्टूडेंट, फिर मैं देखूंगा क्यों दोनों में बीच में डिफरेंस आ रहा है, उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, रिकंसिलिएशन। दिस इज अ कंप्लीट सम, और इसमें एक एक लेक्चर अब आपका काम आएगा। तो जस्ट यू रिफर क्वेश्चन नंबर 36, पेज नंबर 12.101।
क्वेश्चन नंबर 36 पेज नंबर 101 क्वेश्चन नंबर 36 पेज नंबर 101 देखो जरा ना फ्रेंड्स स्टेप नंबर वन कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड कितना है बजटेड प्रोडक्शन क्या है 10,000 यूनिट्स वेरी गुड अंडरलाइन कर दो 10,000 एक्चुअल प्रोडक्शन मीन्स पी एन एल अकाउंट आपको दे रखा है तो स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन इक्वल टू 10,000 यूनिट्स टोटल पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड कॉस्ट बजटेड प्रॉफिट बजटेड सेल्स स्टेप नंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज 8,000 यूनिट्स एंड एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू 1,33,000 200 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 40 डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 40 वेरिएबल ओवरहेड 8 फिक्स्ड ओवरहेड 20 टोटल 108 32 140 10,000 into 40 is 4 lakhs 10,000 into 40 is 4 lakhs 10,000 into 8 80,000 is 2 lakhs 1080 320 14 lakhs
हमने क्या प्रॉफिट सोचा था? 320। क्या प्रॉफिट हम लोगों ने सोचा था? 320,000। क्या एक्चुअल में प्रॉफिट आ रहा है? 133,200। अब अपने को क्या बनाना है? 4,000 आवर्स वर लॉस ड्यू टू द पावर फेलियर, देर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग WIP। यू आर रिकनसाइल द एक्चुअल प्रॉफिट विद स्टैंडर्ड प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ वेरियंसेस, राइट? तो अब लीव वन फुल पेज, पूरा एक पेज छोड़िए स्टेप नंबर 3 के लिए, एंड ये आपका क्या रहेगा? फाइनल आंसर स्टेप नंबर 3। फाइनल आंसर स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलेशन, लीव वन फुल पेज फॉर दैट, पूरा एक पेज छोड़ दीजिए अपना। लीव वन फुल पेज फॉर दैट स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन, राइट? लीव वन फुल पेज फॉर दैट, राइट? अब आप आ जाइए स्टेप नंबर 4। दिस इज योर एनालिसिस ऑफ वेरियंस। उसमें स्टेप नंबर छोटू 1, मटेरियल वेरियंस ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन? इज 8,000। स्टैंडर्ड एक्चुअल, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, आर्स, रेट, अमाउंट, लेबर वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस, आर्स, रेट, अमाउंट, आर्स, रेट, अमाउंट। All right, fixed overhead variance, budget, actual, units, recovery rate, expense, units, expense, and last आपका रहेगा sales
मार्जिन वेरियंस यूनिट्स रेट अमाउंट यूनिट्स रेट अमाउंट बोलो राइट है। ये आपका टेबल बन गया। स्टेप नंबर छोटू टू अपन क्या करते थे, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, मटेरियल यूसेज वेरियंस, मटेरियल रेट वेरियंस, लेबर कॉस्ट वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और रेट वेरियंस। फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स मार्जिन वेरियंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम और सेल्स मार्जिन प्राइस।
Say yes or no, friends, right? Now, what is your actual production is? 8,000, right? One by one, aa jaiye na. JM & Company manufacture a product for which the standard selling price has been ascertained as below, right? वो क्या बोल रहा है, एक प्रोडक्ट को बनाने में 2 यूनिट्स लगते हैं, इसका मतलब 8,000 को बनाने में 16,000, और एक का आपका रेट रहेगा 20 रुपीस, क्या हो गया 3,20,000. एक यूनिट को बनाने में 20 आवर्स, 8,000 इंटू 20 इज 1,60,000 आवर्स, रेट पर आर इज 2, दिस कम्स टू 3,20,000. वेरिएबल ओवरहेड 8,000 इंटू 20 इज 1,60,000, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड आपको दे रखा है पर यूनिट, हाँ, सो 8,000 इंटू 8 इज 64, आपका क्या हो जाएगा 0.4. ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स, राइट है? मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट? लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन बजट 10,000. व्हाट इज द रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड? 20 रुपीस, एंड दिस कम्स टू 2 लैक्स. ये 10,000, क्या प्रॉफिट हम लोगों ने सोचा था 32, एंड दिस कम्स टू 3,20,000. सही सुनो फ्रेंड्स, राइट है? अब आप आ जाओ एक्चुअल में, राइट? जब हम लोगों ने एक्चुअली किया तो मटेरियल यूज्ड 16,500, एक्चुअल मटेरियल यूज 16,500, द एक्चुअल कॉस्ट इज 3,96,000. सो 3,96,000 डिवाइडेड बाई 16,500 इज 24. एक्चुअल आर्स 1,70,000 और पेमेंट किया है 346,800. इट मीन्स 346,800 डिवाइडेड बाई 1,70,000 2.04, लेकिन ओवरहेड लगेगा 166 पे, बिकॉज 170 इंक्लूड्स एबनॉर्मल आइडल टाइम 4,000, राइट? वेरिएबल ओवरहेड विल बी 60,000 डिवाइडेड बाई 166 इज 0.36. बोलो यार, सुनो फ्रेंड्स, राइट? अब आप एक्चुअल पे आ जाइए. एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इज 1,84,000, एक्चुअल यूनिट्स आर 8,000, एक्चुअल यूनिट्स 8,000, लेकिन ध्यान रखना एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट. यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, दे टेक डायरेक्टली एक्चुअल प्रॉफिट. प्रॉफिट में क्या बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस, बिकॉज प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट. ओके, तो आप ले लीजिए एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट. नाउ एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 11,20,000 डिवाइडेड बाय 8,000, 11,20,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इज 140 लेस बजटेड कॉस्ट. व्हाट इज द बजटेड कॉस्ट इज 108 इज
8,000 into 32 is 256. पहले ये बताओ फ्रेंड्स, टेबुलर फॉर्म आपको समझा या नहीं समझा? राइट, टेबुलर फॉर्म आपको समझा कि नहीं समझा? हाँ, स्टेप नंबर वन, कॉस्ट शीट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन. स्टेप नंबर टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज गिवन ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल. स्टेप नंबर थ्री, रिकंसिलेशन. स्टेप नंबर फोर, एनालिसिस ऑफ वेरियंस. राइट, समझे या नहीं समझे? राइट, अब आप आ जाइए फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरियंस. क्या कॉस्ट आपने सोचा था? बोलो, 2 लैक्स. क्या कॉस्ट आ रहा है? 184. इट मीन्स 200 लेस 184, 16,000 फेवरेबल. 10,000 माइनस 8,000 इंटू 20 इज 40,000 फेवरेबल. रेट सोचा था 20, एक्चुअल में क्या रेट आ रहा है? सॉरी, मटेरियल कॉस्ट क्या सोचा था? 3,20,000. क्या मटेरियल कॉस्ट आ रहा है? 396. कितना आ जाएगा? 76,000 एडवर्स. ये 16,500 इंटू 20, 10,000 एडवर्स. 24 इंटू 16,500, 66,000 एडवर्स. सही है, सुनो फ्रेंड्स. लेबर कॉस्ट वेरियंस 3,20,000 माइनस 346,800. 346,800 लेस 3,20,000 इज 26,800 एडवर्स. प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है, हमने आपने बोला था 160 आवर्स, लेकिन आपने ले लिए 170. वो बोलेगा नहीं, आउट ऑफ दिस 170, 4,000 आवर्स माई वर्कर वॉज रेडी टू वर्क बट देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी. राइट, इसका मतलब यहाँ पे अपने को क्या लेना पड़ेगा? 166 इंटू 2, 12,000 एडवर्स. लेबर आइडियल टाइम वेरियंस, लेबर आइडियल टाइम वेरियंस 4,000 इंटू 2, 8,000 एडवर्स. लेबर रेट वेरियंस 2 लेस 2.04 इंटू 1,70,000, इट मीन 6,800 एडवर्स. 160 लेकिन माइनस 166, वो क्या बोलेगा वर्कर? माई वर्कर वॉज रेडी टू वर्क फॉर 4,000 आवर्स. राइट, देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, सो आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल. राइट, 166, 4,000 आपका क्या चला जाएगा? अबनॉर्मल आइडियल टाइम में. सही है, सुनो फ्रेंड्स. रेट वेरियंस आपका क्या था? आपने सोचा था रेट 2 की जगह क्या हो गया? 2.04 इंटू 1,70,000.
12,000 efficiency, 8,000 idle time and 6800. Say yes or no. Variable overhead cost variance 64,000 minus 60,000 is 4,000 favorable. Variable overhead efficiency variance 160 minus 166 into 0.4 2400 adverse 0.4 less 0.36 into 166. Six four double zero favorable because of fraction ऐसा आएगा हाँ 60,000 को डिवाइड करो 166 से जो आएगा 0.4 into 166 six four double zero बोलो yes or no right Fixed overhead to bank 1,84,000 by recovery 8,000 into 20 160 by under recovery 24 160 recovered minus 184 actual loss of 24,000 बोलो या सुनो एक्सपेंस मैनेजर ने बोला था 2 lakhs खर्चा हुआ 184 देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 16,000 प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला था 10 एक्चुअल यूनिट्स 8 इनटू 20 इज 40,000 एडवर्स 40 एंड 16 इज 24 एडवर्स क्या पे किया हम लोगों ने 1,84,000 कितना रिकवर हुआ 8,000 इंटू 20 160 पे किया 184 रिकवर हुआ 160 लॉस हो गया 24 रिकवर्ड माइनस एक्चुअल इज ए फिक्स्ड ओवरहेड हुज रेस्पॉन्सिबल एक्सपेंस मैनेजर ने बोला था 2 lakh खर्चा किया 184 कितने का लॉस हो गया 16,000 सोचा था 10,000 बने ओनली 8,000 2,000 यूनिट्स का लॉस इनटू 20 40,000 सेल्स मार्जिन वेरियंस इज 320 लेस 256 320 लेस 256 इज 64,000 एडवर्स वॉल्यूम 10 minus 8 into 32, 64 adverse, 32,
ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट एनालिसिस। ये आपका क्या हो गया बोलो, कंप्लीट एनालिसिस, राइट। नाउ अभी आपको बताना है थ्रू वेरियंसेस रिकंसिलेशन, राइट। फर्स्ट प्रॉफिट एच पर कॉस्ट शीट। व्हाट इज द प्रॉफिट एच पर कॉस्ट शीट? 3,20,000। प्रॉफिट एच पर कॉस्ट शीट इज 3,20,000। अब देख लिए वन बाई वन ना। फर्स्ट जो वेरियंस एडवर्स है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, लॉस। जो वेरियंस फेवरेबल है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, गेन। तो देखो यूसेज 10,066, ओके, ड्यू टू मेटेरियल यूसेज वेरियंस, ड्यू टू मेटेरियल रेट वेरियंस। यहाँ तो दोनों नहीं अपने को डुबाया, राइट। 10,066,000 से, यस ना फ्रेंड्स, ड्यू टू लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, ड्यू टू लेबर आइडियल टाइम वेरियंस, ड्यू टू लेबर रेट वेरियंस। ड्यू टू लेबर एफिशिएंसी 12,000 एडवर्स, 8,000 एडवर्स एंड 6,800 एडवर्स। ड्यू टू वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और रेट। एफिशिएंसी 2,400 एडवर्स, 6,400 फेवरेबल। ड्यू टू फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस 16,000 फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस 40,000 एडवर्स। ड्यू टू सेल्स वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम एंड सेल्स मार्जिन प्राइस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम 64,000 एडवर्स एंड सेल्स मार्जिन प्राइस निल। एंड दिस इज प्रॉफिट एच पर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एच पर प्रॉफिट एंड लॉस।
परफेक्टली क्लियर, समझ में आ रहा है, बोलो, नो कन्फ्यूजन। एक एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स, बोलो। फोर्टी नाइन, पहले आप कॉस्ट शीट बनाओ, फिर पीएनएल अकाउंट बनाओ, फिर आगे का बात करते हैं। 49 पेज नंबर 12.110, क्वेश्चन नंबर 49 पेज नंबर 12.110। शांति से पूरा क्वेश्चन रीड करो आप ना फ्रेंड्स। कैलकुलेट ऑल द वेरियंस, प्रिपेयर एन ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट मीन्स रिकंसिलिएशन, वहां पे लिख दीजिए ब्रैकेट में रिकंसिलिएशन। बजटेड यूनिट्स आपके कितने हैं फ्रेंड्स, बोलो। 5100 इज योर बजटेड यूनिट्स, टोटल पर यूनिट बजटेड यूनिट्स 5100। डायरेक्ट मटेरियल 2 रुपीज, डायरेक्ट लेबर 4 रुपीज, वेरिएबल ओवरहेड 60 पैसे, फिक्स्ड ओवरहेड 7.4। टू प्लस फोर प्लस पॉइंट सिक्स प्लस पॉइंट 14, 6 रुपीज 20, 10,200, 2,400, 3060, 37,740, 71,400, 3,600, 1,02,000।
step number 2, profit and loss account. Step number 2, profit and loss account. Buy sales 95,600 to material 9,800 to labor 16,800 to variable overhead 2,600 to fixed overhead 42,300 to selling and admin 18,000 and to net profit. Leave one full page for reconciliation, right? स्टेप नंबर 3 रिकंसिलेशन और ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी. लीव वन फुल पेज फॉर रिकंसिलेशन, राइट. लीव वन फुल पेज फॉर रिकंसिलेशन. ओके, अब ये पूरा फॉर्मेट आप बना लीजिए ना, रिकंसिलेशन के लिए एक पेज छोड़ के देन ये पूरा फॉर्मेट आप बना लीजिए, राइट. Step number 1, cost sheet always on budgeted production. Step number 2, profit and loss account always on actual.
लीव वन फुल पेज फॉर रिकन्सिलेशन, एंड ये पूरा फॉर्मेट आप बना दीजिए, यूनिट की जगह क्या हो जाएगा मटेरियल में केजी, पहले आप ये बना लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं, राइट। फॉर्मेट इज रेडी, आप फॉर्मेट रेडी कर लो फिर अपन साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन, बोलो फॉर्मेट इज रेडी फ्रेंड, ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल, व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन 4850, बोलो सब लोग 4850 सही है सुनो। नाउ वन बाय वन, वन यूनिट इज रिक्वायर्ड 0.5 kg, इट मीन्स 4850 into 0.5, 2425, what is the rate per kg is 4 into 4 9600 700, 4850 into 2 hours 9700, 4850 into 2 hours 9700, राइट। रेट पर आर 0.3, 2 rupees एंड 0.3, 9700 इंटू टू 19400, 9700 इंटू 0.3 2910, फिक्स्ड ओवरहेड 7 rupees 40 paise
per unit, but always on budgeted. Bolo 7.4, 37, 740, 5100. What is the profit? 6 rupees per unit, 30,600. Yeah. समझे या नहीं समझे फ्रेंड्स, बोलो. राइट है. एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड 2300, 9800, 2300, 4.27. लेबर आर्स 8500, ये 8000. लेबर कॉस्ट 16800, वेरिएबल ओवर एट 2600. 16800 डिवाइडेड बाई 8500, 1.97. 2600 डिवाइडेड बाई 8000, 0.325. राइट है. फिक्स्ड ओवरहेड, ₹42,300. एक्चुअल प्रोडक्शन 4850, राइट है, 4850, बट एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू, ध्यान रखना, डोंट मेक मिस्टेक, एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट. एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट. व्हाट इज द एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट? इज 95,600, 95,600 डिवाइडेड बाय 4850. 95,600 डिवाइडेड बाय 4850, 19.71 लेस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट. व्हाट इज द बजटेड कॉस्ट पर यूनिट? 14 लेस 14 इज 5.71. 4850 into 5.71, 95,600 divided by 4850 minus 14 into 4850, 27,700. ये क्लियर हुआ क्या नहीं फ्रेंड्स, बोलो. मटेरियल कॉस्ट वेरियंस 9700, 9800, 100 एडवर्स. मटेरियल यूसेज वेरियंस 2425, 2300 इंटू 4, दिस इज 4 माइनस 4.27 इंटू 2300. $500 favorable, 4 less 4.27 into 600 adverse. Bolo. Karo variance calculate.
बोलो, लेबर कॉस्ट वेरियंस 19400 माइनस 16800। फेवरेबल लेबर एफिशिएंसी 9700 माइनस, देर इज ए एबनॉर्मल आइडियल टाइम ना फ्रेंड्स, 500 आवर्स, सो 8000 इंटू 2, 3400 फेवरेबल, 500 इंटू 2, 1000 एडवर्स, रेट वेरियंस 2 लेस 1.97 इंटू 8500। फेवरेबल बोलो, लेबर का क्लियर हुआ फ्रेंड्स? लेबर चेक करो, एफिशिएंसी 3400 फेवरेबल, बोलो आइडियल टाइम 1000 एडवर्स और रेट 200 फेवरेबल, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस 2910, 2600, 310 फेवरेबल, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी 9700, 8000.3, 510 फेवरेबल, 0.3 लेस 0.325 इंटू 8000, 200 एडवर्स, बोलो फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट टू बैंक 2600 बाय रिकवरी 8000 इंटू 2400 बाय अंडर रिकवरी 200 फिक्स्ड ओवरहेड 2400 2600 200 एडवर्स एक्सपेंस वेरियंस 2910 लेस 2600 310 फेवरेबल, नो नो फिक्स्ड ओवरहेड, सॉरी सॉरी, फिक्स्ड ओवरहेड 42300 ना, टू बैंक 42300 बाय रिकवरी 4850 इंटू 7.4 35890 लेस 42300 6410 ना बाय अंडर रिकवरी 35890 लेस 42300 6410 एडवर्स एक्सपेंस वेरियंस 37740 42300 लेस 37740 4560 एडवर्स, राइट है, और 5100 लेस 4850 इंटू 7.4 1850 एडवर्स, टेली होता है फ्रेंड्स 4560 1850 6410 सेल्स मार्जिन वॉल्यूम
सेल्स मार्जिन वॉल्यूम 30,600 माइनस 27,700 2900 एडवर्स वॉल्यूम 5100 4850 इंटू 6 1500 एडवर्स 6 लेस 5.71 इंटू 4850 1400 एडवर्स बोलो फ्रेंड्स, कैन यू प्रिपेयर द रिकंसिलेशन? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट 30,600, मटेरियल यूसेज वेरियंस 500 फेवरेबल, मटेरियल रेट 600 एडवर्स, लेबर एफिशिएंसी 3400 फेवरेबल, लेबर आइडियल टाइम 1000, लेबर रेट 200 फेवरेबल, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी 510 फेवरेबल 200 एडवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर 4560 एडवर्स एंड 1850 एडवर्स ड्यू टू सेल्स मार्जिन वॉल्यूम 1500 एडवर्स ड्यू टू सेल्स मार्जिन प्राइस 1400 एडवर्स एंड ड्यू टू सेलिंग एंड एडमिन वो हम लोगों ने नहीं कंसिडर किया था ना कॉस्ट शीट में 18,000 और ये प्रॉफिट आपका आना चाहिए प्रॉफिट एच पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टेली हो रहा है फ्रेंड्स देखो
राइट है। तो हमेशा आपको क्या याद रखना है, स्टेप नंबर वन कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट हमेशा किस पे रहेगा, ऑन बजटेड प्रोडक्शन। स्टेप नंबर टू प्रॉफिट एंड वो हमेशा एक्चुअल पे, देन देयर इज ए सेट फॉर्मेट रिकंसिलेशन, देन एनालिसिस ऑफ वेरियंस और पुट कर दी। अब क्लाइंट आपको पूछेगा चलो मेरे को ये समझ में आया, बोले अगर मैं आपको ये दूंगा तो आप ऐसे उल्टा जा सकते हो क्या, रिवर्स करके ना। मैं अभी तक तो अपन कैसे जाते थे, स्टेप वन कॉस्ट शीट, पी एंड एल अकाउंट, रिकंसिलेशन और उसके लिए ये, अब ऐसे जाएंगे करके ना। पहले ब्रेक ले लेते हैं उसके बाद करते हैं। चलो ऑलराइट, नाउ रिवर्स क्वेश्चंस लेते हैं, राइट। ये काफी एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पेज नंबर 12.108, क्वेश्चन नंबर 47 पेज नंबर 12.108 देखो जरा। स्टेप्स अपने सेम रहेंगे, स्टेप नंबर वन कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन। स्टेप नंबर टू पी एंड एल अकाउंट, ऑलवेज ऑन एक्चुअल, रिकंसिलेशन एनालिसिस। देखो जरा, प्रिपेयर द ओरिजिनल बजट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट पर यूनिट, प्रोड्यूस ए स्टेटमेंट रिकनसाइलिंग द बजटेड प्रॉफिट विद एक्चुअल प्रॉफिट। ओके, तो स्टेप नंबर वन आप बना लीजिए, स्टेप नंबर वन, दिस इज स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, ठीक है। कॉस्ट शीट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन टोटल पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड कॉस्ट, बजटेड प्रॉफिट, बजटेड सेल्स। स्टेप नंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन 9600 यूनिट्स, एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू 73200। ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर वन, राइट है। Leave one full page for answer number two. This is statement showing reconciliation leave one full page for that, right? This is your step number three and
step number 4, analysis of variance. Step number 4, analysis of variance. First, material variance always based on actual production, standard and actual. Kg rate amount, kg rate amount. Labor variance, hours rate amount. Variable overhead variance, fixed overhead, units, recovery rate, expense, units, expense, budget, actual. Sales margin variance, units, rate, फॉर्मेट सेम रहेगा, राइट? Right? Then material cost variance, material usage variance, material rate variance, labor cost variance, labor efficiency variance, labor rate variance, variable overhead, cost variance, variable overhead, efficiency variance, variable overhead, expenditure or rate. Fixed overhead account, fixed overhead cost variance, fixed overhead expense variance, fixed overhead volume variance. Sales margin variance, sales margin volume variance,
sales margin price variance. बोलो, अब एकदम आराम से समझ समझ के, चार से पांच बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है राइट एग्जाम में, अभी देखो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं. एक्चुअल प्रोडक्शन इज 9600. सब लोग साथ में रहो अभी ना फ्रेंड्स. एक्चुअल प्रोडक्शन इज 9600. ठीक है, सेल्स को अभी छोड़ देते हैं. मटेरियल एक्चुअली कंज्यूम्ड 59400. डायरेक्ट मटेरियल 89400. 145,578,000. The standard wage rate 4.5, no problem. Standard variable overhead 7.5, no problem. डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरियंस 600 एडवर्स. यूसेज 1200 एडवर्स, मिलके 1800 एडवर्स. डायरेक्ट वेजेस रेट 1500 फेवरेबल. डायरेक्ट वेजेस एफिशिएंसी 4500 एडवर्स, मिलके 3000 एडवर्स. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस 3000 एडवर्स. वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस 6000 फेवरेबल. एफिशिएंसी 7500 एडवर्स. सेल्स प्राइस, सेल्स का प्राइस एंड मार्जिन का प्राइस हमेशा मैंने क्या बताया आपको, सेम रहेगा. सेल्स का प्राइस एंड मार्जिन का प्राइस 13500 फेवरेबल. सेल्स का प्राइस, मार्जिन का प्राइस हमेशा क्या रहेगा, सेम. सेल्स का प्राइस, मार्जिन का प्राइस हमेशा क्या रहेगा, सेम.
अब देखो ये 59,400 तो बजटेड क्या रहा होगा, 59,400 माइनस 1800 बोलो 57,600। हमको इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने पास तो ऑलरेडी वेरियंस हैं करके ना, निकल भी नहीं सकता ठीक है। अब 89,400 इट मीन्स 89,400 माइनस 3000 86,400 डिवाइडेड बाय 4.5 19,200 आवर्स बोलो। राइट है 19,200 माइनस समथिंग इनटू 4.5 19,200 माइनस समथिंग इनटू 4.5 इज 4,500 सो 4500 डिवाइड बाय 4.5 20,200 89,400 डिवाइडेड बाय 20,200 इज 4.43 4.5 माइनस 4.43 इनटू 20,200 1500 फेवरेबल। बोलो यस और नो फ्रेंड्स, राइट है। वन 45,500 बराबर, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 1,500 एडवर्स, तो ये क्या हो जाएगा 144 बोलो यस और नो फ्रेंड्स 144 सो दिस इज 144 सो 144 डिवाइडेड बाय 7.5 इज 19,200 सो 19,200 माइनस समथिंग इनटू 7.5 7500 डिवाइड बाय 7.5 20,200 सो 20,200 145,500 डिवाइडेड बाय 20,200 इज 7.21 7.5 माइनस 7.21 इनटू 20,200 बोलो यस नो फ्रेंड्स, राइट है। अब देखो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ है 78, सोचा कितना था 75, तभी तो 3 का वेरियंस आएगा ना फ्रेंड्स, ये 75, बजटेड यूनिट्स कितने हैं 10,000, रिकवरी रेट 7.5, एक्चुअल यूनिट्स 9,600, बजटेड यूनिट्स 10,000, बजटेड एक्सपेंस आएगा 75 क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंस 78 है और हम लोग बोल रहे हैं 3,000 एक्स्ट्रा पे किया है, राइट
So 75, 7.5. It means two bank 78, and by recovery 9600 into 7.5. 72 by under recovery 6000. 72 less 78, 6000 adverse. 10,000 minus 9600 into 7.5. 3,000 adverse. बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, राइट? ओके, जितना हो सकता है उतना ट्राई करते हैं रिकंसिलेशन में, राइट? इट मींस प्रॉफिट एच पर कॉस्ट शीट प्रॉफिट एच पर कॉस्ट शीट अपने को मालूम नहीं है, लेकिन अपने को मालूम है ड्यू टू मटेरियल यूसेज वेरियंस, ड्यू टू मटेरियल रेट वेरियंस, ड्यू टू मटेरियल यूसेज वेरियंस 1200 एडवर्स 600 एडवर्स, ड्यू टू लेबर एफिशिएंसी लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी 4500 एडवर्स 1500 फेवरेबल, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और रेट, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी 7500 एडवर्स, एक्सपेंडिचर और रेट 6000 फेवरेबल, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस 3000 एडवर्स, वॉल्यूम 3000 एडवर्स, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वो पता नहीं है, एंड सेल्स मार्जिन प्राइस, सेल्स मार्जिन प्राइस 13,500.
राइट है फ्रेंड्स। अब अपन आगे चलते हैं कॉस्ट शीट पे। बजटेड प्रोडक्शन हमारा क्या है 10,000। बजटेड प्रोडक्शन मेरा क्या है बोलो 10,000। ठीक है अब देखो मटेरियल कॉस्ट 57,600 किसके लिए है, ये यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते। 57,600 किसके लिए है, तो हमको कितने का बनाना है 10, तो 57,600 डिवाइडेड बाई 9,600 इंटू 10,000, 86,400 डिवाइडेड बाई 9,600 इंटू 10,000, 1,44,000 डिवाइडेड बाई 9,600 इंटू 10,000, 57,600 डिवाइडेड बाई 9,600 इंटू 10,000 60,000, 86,400 इंटू 10 डिवाइड बाई 9.6 इज 90,000, 144 डिवाइड बाई 9.6 इंटू 10 इज 150, 6, 9, 15 फिक्स्ड ओवरहेड बोलो या सुनो फ्रेंड्स राइट है। अब अपना बाकी रह गया कौन सा, सेल्स मार्जिन राइट। 10,000 एक्चुअल 9,600 बोलो, टेन थाउजेंड एंड एक्चुअल 9,600 यही था ना फ्रेंड्स। अरे बोलो बराबर है, इट मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। व्हाट इज योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट 44,500 राइट डिवाइडेड बाय 9,600 44,500 46.40625 लेस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट 37.5 यहां से निकाला अपन ने बोलो, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा 8.90625 इंटू 8.90625 9,600 इज 85,500।
बोलो, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस 8.90625 × 9600 आपको क्या देता है 13,500 फेवरेबल। बोलो, अपने पास बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट नहीं है लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट तो है, राइट? दोनों को डिफरेंस को अगर 9600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 13,500 फेवरेबल, राइट? सो 13,500 डिवाइडेड बाय 9600 डिफरेंस आ रहा है 1.40625 एंड बिकॉज दिस इज फेवरेबल है तो उतना कम अपन ने सोचा होगा 8.90625 हम लोगों ने सोचा होगा 7.5 सही है सुनो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या सोचा होगा 7.5 इट मीन्स 7.5 This comes to 75,000, right? 75,000 minus 85,500. 75 less 85,500, 10,500 adverse, sorry, favorable. हम लोगों ने सोचा था profit 75,000, आ गया 85,500, 10,500 favorable. वॉल्यूम 10,000 माइनस 9600 इंटू 7.5 10,000 माइनस 7500 इंटू 7.5 18,750 एडवर्स और ये मिलके हो जाएगा 7.5 फ्रेंड्स, राइट? अब देखो जरा आपका बजटेड प्रॉफिट क्या आ जाएगा 75, ये क्या आ जाएगा 450, ये 7.5 एंड 45 बजटेड प्रॉफिट 75 और सेल्स मार्जिन वॉल्यूम 3,000 एडवर्स और आपका एक्चुअल प्रॉफिट आना चाहिए 173,200 देखो जरा 75 माइनस 1200 600 4500 प्लस 1500
तो ये आपका था रिवर्स, मतलब आपको वेरियंसेस दे रखे थे और उससे हम लोग गए, राइट। बोलो या सुनो फ्रेंड्स, एकदम क्लियर है, नो कन्फ्यूजन। अब देखो एक चीज आपको दिखाता हूं कि एज ए एग्जामिनर या आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये 18 मार्क्स पूरे के पूरे मेरे पॉकेट में आ गए करके, ना 18 मार्क्स आपके पॉकेट में आ गए वो आपको कैसे पता चलेगा, राइट। फुल 18 मार्क्स आपके पॉकेट में आ गए वो आपको कैसे पता चलेंगे। देखो मैंने आपको क्या बताया था, सेल्स का प्राइस वेरियंस और मार्जिन का प्राइस वेरियंस हमेशा क्या रहता है, सेम, राइट। तो देखो ये वेरिफिकेशन पार्ट, सेल्स प्राइस वेरियंस। अब देखो आपके पास एक्चुअल सेलिंग प्राइस था, क्वेश्चन में एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या था, 46.40625 ये आपके पास था, आपके पास एक्चुअल यूनिट्स थे और आपके पास सेल्स प्राइस वेरियंस था 13,500 फेवरेबल, राइट। सो देखो जरा 13,500 फेवरेबल डिवाइडेड बाय 9600 1.40625 वो फेवरेबल है, इसका मतलब हमारा बजटेड सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, 45, और हमारा क्या आ रहा है, 45। इसका मतलब आपका आंसर पूरा करेक्ट है, आपके पास एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, आपके पास यूनिट्स हैं, ये है और आपको ये। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक कर दिया तो फिर ये आपका टैली होगा, बोलो नहीं। ये पहला वेरिफिकेशन आप लिख लो, राइट। दूसरे तीसरे और बताता हूँ आप, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट फॉर एग्जाम, आपके रेफरेंस के लिए, राइट, नॉट फॉर एग्जाम। क्या राइट है, बोलो। और अपन क्या कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, देखो व्हाट इज योर एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स का अमाउंट बोलो 4,45,500। अब इसमें आप बोल रहे हो कि दे दीजिए प्राइस वेरियंस, कितना प्राइस वेरियंस है, 13,500 फेब्रुअरी, इसका मतलब ये जो यूनिट्स हैं वो कितने में सेल होनी चाहिए थी, इट मींस स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर एक्चुअल यूनिट्स 445 में से माइनस करो, स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर एक्चुअल यूनिट्स 4,32,000 और उसमें कितनी यूनिट्स बिकी हैं, 9,000। सो व्हाट इज योर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसका मतलब आपका आंसर सही है, राइट। ये लिख लो, फिर तीसरा वेरिफिकेशन बताता हूँ आप, एक्चुअल सेल्स 445,500, एक्चुअल सेल्स रुपीज 445,500, उसमें से 13,500 आपको क्या रहेगा, प्राइस वेरियंस, 13,500 आपको क्या रहेगा, प्राइस वेरियंस।
So standard value for actual units. Standard value for actual units 4,32,000 divided by 9,600. Standard selling price per unit will be 45. या सुनो राइट, अब आप आ जाइए. व्हाट इज योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट? एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 46.40625 और उसमें आप बोल रहे हो सेल्स प्राइस वेरियंस आपको मिला है. कितना प्राइस वेरियंस है? 13,000. कितनी यूनिट्स पे मिला है? 9,600 पे. तो पर यूनिट आपको एक्स्ट्रा कितना मिला? सेल्स प्राइस वेरियंस पर यूनिट 1.40. इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा पर यूनिट? वो ये ये सारे के सारे वेरिफिकेशन आपके लिए हैं, एग्ज़ाम के लिए नहीं है राइट, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि मेरा आंसर है वो एकदम करेक्ट है राइट. आप जरा निकालिए क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 12.90. क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 12.90. ये आपको एकदम प्रॉपर होमवर्क में करना है विथ वेरिफिकेशन राइट, एंड यू कैन वेरीफाई योर आंसर राइट. पहले रीड कर लीजिए, कोई पॉइंट नहीं आ रहा है तो प्लीज मेरे से पूछिए. हाँ, क्वेश्चन 26 पेज नंबर 12.90. सिंगल प्रोडक्ट मिला फ्रेंड्स. प्रेजेंट ओरिजिनल बजट अलोंग विद द कॉस्ट शीट शोइंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट. इसका मतलब स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द ग्रॉस मार्जिन वॉल्यूम फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, वो तो वेरियंसेस में आ जाएगा, एंड प्रिपेयर ए ऑपरेटिंग रिकंसिलेशन, एंड आपको ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाना है ठीक है.